स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रीयन कोथिंबीर वड़ी, तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये धनिया, धनिया मतलब कोथिंबीर, इसी की हम वड़ी बनाएंगे। तो ये हरा धनिया मैंने काट के रखा है, ये है बेसन, ये तिल, ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हींग, ये गरम मसाला, और ये है लहसुन की कलियां, 6 कलियां ली थी मैंने, 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्चें पीसकर उसकी पेस्ट बनाई है। ये है नमक और ये है फ्रेश कोकोनट, ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट है, ये ऑप्शनल है, तो इसके बिना भी हम वड़ी बना सकते हैं। तो पहले हम ये जो हरा धनिया हमने काट के रखा है, इस बोल को मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ ताकि बेसन हमारा चिपके नहीं साइड में ज्यादा। तो ये जो हरा धनिया है, ये हमारा नॉर्मल जो बोल होता है कटोरी, उसी से मैंने एक भर के लिया है। तो ये हरा धनिया, इसमें मैं नमक डालती हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट, लहसुन मिर्च और जीरा, गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 चुटकी हींग और हल्दी 1/2 टीस्पून, ये लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया है 1/2 टीस्पून लिया है, और इसी में हम डालेंगे ये हरा नारियल, तो ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप मत लो, इससे टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने ये डाला है। तो ये हम पहले मिक्स करेंगे, जो लहसुन की पेस्ट है अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, बेसन मैंने 1.5 बोल रखा है, लेकिन हम अगर ज्यादा लगे हमें तो और भी डालेंगे। पहले मैं ये 1 बोल मिक्स करके इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, क्योंकि उसका 2 लगाना है हमें। देखिए धनिया ज्यादा लग रहा है, तो मैं ये पूरा बेसन इसमें डाल देती हूँ। बेसन था 1.5 कटोरी नॉर्मल, इसका मैं थिक 2 लगाऊंगी। गरम करने के लिए रख देती हूँ, देखिए आधी से भी कम कढ़ाई में पानी मैंने रखा है। तब ये वड़ी आप स्क्वायर या गोल भी बना सकते हो, आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो किसी प्लेट में से तेल लगा के आप इसमें ये आटा लगा दीजिए। जैसे आपको चाहिए आप बना सकते हो। अब एक छन्नी लेके इसको हमें तेल लगाना है, इस साइड पे हम रोल रखेंगे ताकि वो रोल चिपके नहीं। तो ये मैं रोल यहाँ पे रख देती हूँ, ये जो प्लेट में हमने लगा दिया है
इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और अब तेल पानी गर्म होने के बाद हम ये छन्नी यहाँ पे रख देंगे। पानी गर्म हो गया है, ज्यादा उबलना नहीं है, थोड़ा गर्म हो गया है, तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक स्टीम करना है ढक के। बड़ी को मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम किया है और फ्लेम ऑफ करके मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था उसे 5 मिनट के लिए, तो हम देख लेते हैं। बड़ी हमारी तैयार है, हम इसे काट लेंगे। इसको पहले हम निकालेंगे। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो ऐसे बनाना है प्लेट में। और इसको आप दो टाइप से बना सकते हो, या तो डीप फ्राई करके या शैलो फ्राई। तो हम आज शैलो फ्राई करेंगे। ये रोल जो हमने बनाए थे, ऐसे गोल चाहिए तो आप ऐसे रोल बनाइए। वैसे ही सारे मैं बाकी के काट लेती हूँ। बड़ी को मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने एक तवा रखा है फ्राई करने के लिए, तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। 4 से 5 चम्मच तेल चाहिए हमें। तेल गरम हो चुका है तो तेल में पहले मैं, ये देखिए, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी हींग डाल रही हूँ, इससे टेस्ट आएगा अच्छा। ये तेल में डालूंगी 3 से 4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे ये वड़ी, इसको स्लो फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। इसको हमें फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। और अगर ये वड़ी आपको कुरकुरी चाहिए तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो, तो ये और भी क्रिस्पी हो जाएगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। हमारी वड़ी फ्राई हो चुकी है तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखी है, सा नारियल में ऊपर से डाल देती हूँ। तो ये तैयार है हमारी महाराष्ट्रियन कोथिंबीर वड़ी। आप इसे जरूर बनाइए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजिए। थैंक यू।